स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तिका। आज हम BRS के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन हम दूर कर सकें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ BRS। इस एग्जाम्पल को हमने एक यूनिक वे में प्रेजेंट किया है जहाँ पे मिस्टर सैम के कैश बुक और पासबुक की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शंस पे गौर करते हैं जो आपको कैश बुक और पासबुक में अवेलेबल है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020 को कैश बुक के डेबिट साइड में आपको दिख रहा है 2 BD 80,000। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री पासबुक के क्रेडिट साइड में हो रखी है 1 अप्रैल 2020 को 2 BD 80,000। अब हम कैश बुक के डिपॉजिट साइड डेट इज़ द डेबिट साइड और पासबुक के क्रेडिट साइड डेट इज़ द डिपॉजिट साइड पे फोकस करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल 2020 को कैश बुक में देखिए 2 DOC 15,000 हो रखा है। सेम डे पासबुक में भी वही एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद 7 अप्रैल को 2 CD 25,000, लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में 10 अप्रैल को हुई थी जब वो चेक क्लियर हुआ। तो देखिए टाइम डिफरेंस आ गया। उसके बाद 28 अप्रैल को वापस से एक चेक डिपॉजिट हुआ 35,000 का। उसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में तो हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। क्यों? अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो कैश बुक और पासबुक में पहला ट्रांजैक्शन ऐसा आया जिसके कारण क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद पासबुक के क्रेडिट साइड में 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दिख रही है 29 अप्रैल 2020 को बाई ट्रांसफर फ्रॉम रॉजर। रॉजर हमारा एक डेटर है जिसने हमारे अकाउंट में 35,000 ट्रांसफ़र किए। उसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में हुई लेकिन अभी तक कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। 30 अप्रैल को बैंक ने हमारे अकाउंट में 1,150 इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। अगेन उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था इसलिए हमने अभी तक उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कैशबुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो पासबुक में है लेकिन कैशबुक में नहीं है। चलिए अब देखते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले 15 अप्रैल 2020 को बाई विड्रॉल 40,000। सेम एंट्री सेम डेट को पासबुक में रिफ्लेक्ट की जा रही है। उसके बाद हमने 22 अप्रैल को एक चेक इशू किया 5,000 का जिसकी एंट्री हमने 22 अप्रैल को ही पेमेंट साइड में कर दी थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कब आ रहा है पासबुक में? 24 अप्रैल में जब उस चेक का पेमेंट हुआ। 29 अप्रैल को हमने एक चेक इशू किया 30,000 का, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर दी लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सर क्यों? क्योंकि उस सप्लायर ने अभी तक बैंक से पेमेंट विड्रॉ नहीं किया। अब पासबुक में देखते हैं 29 अप्रैल को एक स्टैंडिंग पेमेंट किया गया 35,000 का। स्टैंडिंग पेमेंट का मतलब क्या है? हमने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कुछ मंथली पेमेंट्स के लिए जिसके अकॉर्डिंग बैंक ने वो पेमेंट तो कर दिया लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन अभी तक कैशबुक में नहीं मिला है, इसलिए उसकी एंट्री सिर्फ कहाँ हुई है? पासबुक में, कैशबुक में नहीं हुई। 30 अप्रैल को बैंक ने अपने सर्विसेज के लिए 450 रुपीज़ चार्ज किए, उसका इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके कारण कैशबुक और पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए क्लोजिंग? 80,000, लेकिन पासबुक कितना बता रहा है? 75,700। लेकिन इन सारे कॉजेस में से एक भी आपको एरर दिख रहा है? बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन दोनों ही बुक्स में करेक्ट एंट्रियाँ रिकॉर्ड की गई है। इन सारे डिफरेंसेस को एक जगह रिकंसाइल करने को ही हम क्या कहते हैं? BRS। अब
एग्जाम में आपको ये कैशबुक और पासबुक अवेलेबल नहीं होगा, आपके लिए थोड़ा इजी बना दिया जाएगा, आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जैसा कि आपको अब इस स्लाइड में दिखेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस ऑन 30th April 2020 एज पर कैशबुक इज 80,000। जैसे ये इंफॉर्मेशन आपके पास आया, आपको पता चल गया कि कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, 80,000। तो अब हमको क्या जानना है कि अगर कैशबुक के हिसाब से 80,000 है तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, बाई रिकनसाइलिंग द डिफरेंसेज बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। कैशबुक में दिखा था ना, हमने 35,000 का चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। अब बीआरएस में आते हैं, हमारा ओपनिंग बुक क्या है, कैशबुक, जिसके हिसाब से बैलेंस कितना है, 80,000। अब सेकेंड पॉइंट को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं, हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया 35,000 का, जिस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमने कैशबुक में कर दी, इसके कारण कैशबुक का बैलेंस 35,000 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पासबुक का बैलेंस क्या रहा होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस 35,000 को 80,000 से डिडक्ट कर देंगे, तो हमको किसका बैलेंस मिल जाएगा, पासबुक का। क्लियर हुआ? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम इस अमाउंट को कैशबुक के बैलेंस से लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 30,000। अब इसको भी इंडिविजुअली कंसिडर करो, 30,000 की एंट्री कहाँ हुई है, कैशबुक में, क्या उसकी एंट्री पासबुक में हुई, तो हमारे कैशबुक का बैलेंस पासबुक के मुकाबले 30,000 से कम है। तो अगर पासबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को हमारे कैशबुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक ₹35,000। मतलब बैंक ने एक पेमेंट किया जिसकी रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं हुई, तो कैशबुक का बैलेंस उस 35,000 से इंक्रीज हो गया, क्योंकि पेमेंट की एंट्री हमने की नहीं है। तो अगर पासबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, इस 35,000 को कैशबुक के बैलेंस से लेस कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक ने हमसे ₹450 चार्ज किए जिसकी रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं हुई, इस कारण से कैशबुक का बैलेंस 450 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर पासबुक का बैलेंस जानना है तो आप क्या करोगे, इस 450 को कैशबुक के बैलेंस से कम कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र मेड बाय मिस्टर रॉजर ₹35,000। हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में ₹35,000 ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई, पासबुक में, पासबुक का बैलेंस इसके कारण से बढ़ गया। आपके पास किसका बैलेंस है, कैशबुक का, तो कैशबुक का बैलेंस 35,000 से कम है। तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस जानना है तो क्या करोगे, इस 35,000 को कैशबुक के बैलेंस में ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, पासबुक में डिपॉजिट किया, जिसकी रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं हुई, तो कैशबुक का बैलेंस 1150 से कम है एज कम्पेयर टू पासबुक। तो अगर मेरे को पासबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, कैशबुक के बैलेंस में 1150 ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला, ये सारी एंट्रियाँ हमने कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, क्यों, हमारे पास कैशबुक का बैलेंस था, हम एडजस्टमेंट उसमें ही कर सकते हैं। सेकंड, ये सारे जो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस हैं ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, ये हम एक स्टेटमेंट में कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए आपके सामने बीआरएस का पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, आपको बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिखा 80,000, जो भी आइटम्स ऐड करने थे वो हमने प्लस कॉलम में लिख दिए।
माइनस कॉलम में सारे सब्ट्रैक्शंस हैं। अब लास्ट में आप देख रहे हैं हमने प्लस साइड की टोटल लगाई 146,150 आ रही है, माइनस साइड की टोटल आ रही है 70,450। अब इनका डिफरेंस कितना आया 75,700, क्योंकि प्लस साइड ज़्यादा थी तो हमने प्लस साइड में उस अमाउंट को लिखा। तो बैंक बैलेंस किसके हिसाब से अवेलेबल था, कैश बुक के हिसाब से। तो आपको किसका बैलेंस जानना था, पासबुक के हिसाब से। तो नीचे क्या आ गया, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 75,700। तो अगर आपको याद होगा आपके पास कैशबुक और पासबुक दोनों स्टेटमेंट है, तो अगर पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस आपको याद है तो ये 75,700 ही था। तो क्या आपने कैशबुक में चेंजेस लाए, नहीं। क्या आप पासबुक में चेंजेस लाए, नहीं। जस्ट इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के साथ आपने दोनों के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करके एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दिया। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल में। द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित्स करंट अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन 31st December 2014। इस एग्जाम्पल में बैलेंस किसके हिसाब से दिया हुआ है, पासबुक के हिसाब से। तो हमारा ओपनिंग बुक क्या हो जाएगा, पासबुक, जिसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है। तो जो भी अब एडजस्टमेंट्स करेंगे पासबुक को ध्यान में रखते हुए अपन को करना है। मतलब हमको पासबुक का बैलेंस पता है, हम क्या जानना चाहते हैं, कैशबुक में कितना बैलेंस रहा होगा। क्लियर हुआ। अब पहले पॉइंट में आते हैं। अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन द करंट अकाउंट। मिस्टर मोहित के बैंक में दो अकाउंट थे, सेविंग और करंट। उन्होंने सेविंग के अगेंस्ट में एक चेक इशू किया था, लेकिन बैंक वालों ने गलती से करंट अकाउंट में उस 400 को डेबिट कर दिया। मतलब वो 400 का पेमेंट उन्होंने कहां दिखा दिया, करंट अकाउंट में। हम BRS किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अकाउंट के हिसाब से। तो जैसे ही वो पेमेंट करंट अकाउंट में दिखाया गया, पासबुक के हिसाब से बैलेंस 400 से कम हो गया। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पासबुक के बैलेंस में उस 400 को हम ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ही इशूड टू चेक्स फॉर ₹300 and ₹500 ऑन 25th December, बट ओनली द फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मिस्टर मोहित ने दो चेक इशू किए थे ₹300 के और 500 के, जिसमें से सिर्फ ₹300 का चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ है। मतलब इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग दोनों कैशबुक और पासबुक में हो चुकी है, लेकिन जो ₹500 वाला चेक था उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ कैशबुक में हुई है, पासबुक में नहीं हुई। तो इस कारण से पासबुक का बैलेंस 500 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पेमेंट की एंट्री हमने नहीं की। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो मैं क्या करूँगा, इस 500 को हमारे पासबुक के बैलेंस से कम कर देंगे। क्लियर हुआ। ₹500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वॉज एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन द कैशबुक। एक चेक हमने 500 का डिपॉजिट करवाया, वो आगे चल के डिसऑनर हो गया। मतलब उसके अगेंस्ट में हमारे बैंक में रुपीस क्रेडिट नहीं हुए, तो डिसऑनर की एंट्री पासबुक में हो गई, कैशबुक में नहीं हुई। तो कैशबुक का बैलेंस अभी भी 500 से ज़्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस 500 से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा ओपनिंग बुक क्या है, पासबुक। हमको कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पासबुक के बैलेंस में इस 500 को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अ डिविडेंड ऑफ ₹1500 वॉट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हमको एक 1500 का डिविडेंड मिला जिसकी एंट्री बैंक वालों ने पासबुक में कर दी, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब डिपॉजिट की एंट्री पासबुक में हो चुकी है,
लेकिन उस एंट्री का रिफ्लेक्शन अभी तक कैशबुक में नहीं आया। तो इस ट्रांजैक्शन के कारण पासबुक का बैलेंस 1500 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप बताओ, अगर आपको कैशबुक का बैलेंस जानना है तो आप क्या करोगे? इस 1500 को हमारे पासबुक के बैलेंस से कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर ₹4,600। हमारे एक कस्टमर ने हमारे बैंक में ₹4,600 डिपॉजिट करवा दिए, तो इसकी एंट्री कहाँ हुई होती? पासबुक में। इस कारण से पासबुक का बैलेंस 4,600 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस से इस 4,600 को लेस कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, अ चेक ऑफ ₹200 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल। हमको एक ₹200 का चेक मिला जिसकी एंट्री हमने कैशबुक के डेबिट साइड में कर दी, मतलब हमने चेक डिपॉजिट करने की एंट्री तो कर दी लेकिन वो चेक आज भी हमारे पास ही पड़ा है, मतलब बैंक वालों ने इसकी एंट्री नहीं की। तो क्या उसका रिफ्लेक्शन पासबुक में आया? नहीं। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस ₹200 से कम है। हमारे पास बैलेंस किसका है? पासबुक का। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो ये ₹200 हम क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो अब स्टेटमेंट में इन ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट दिया हुआ है प्लस साइड में 20,000। बैंक ने जो गलती से डेबिट किया था उसको हमने वापस से ऐड कर दिया, जो चेक डिसऑनर हुआ था उसको भी हमने ऐड किया है, एक चेक जो अभी तक बैंक में नहीं गया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड हो चुका था उसको भी हमने ऐड किया, हमने चेक इशू किए लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ उसको हमने लेस कर दिया, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक उसको भी हमने लेस किया, और बैंक ने कस्टमर से जो डायरेक्ट कलेक्शन हुआ है उसको भी हमने लेस कर दिया। उसके बाद प्लस और माइनस की टोटलिंग की। देखिए, प्लस साइड की टोटल ज़्यादा है माइनस साइड के मुकाबले, तो हमने डिफरेंस किस तरफ लिखा है? प्लस साइड में। ओपनिंग बुक क्या था? पासबुक। तो क्लोजिंग बुक क्या हो जाएगा? कैशबुक। तो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, क्योंकि प्लस का बैलेंस है तो डेबिट लिखा गया है 14,500। इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक के हिसाब से बैलेंस 20,000 है लेकिन कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 14,500। क्लियर हुआ? हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल में। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैशबुक ऑन 31 दिसंबर 2014 ₹10,000। इसका मतलब कैशबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,000 का, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरड्राफ्ट होने के कारण आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो बैलेंस अभी तक आप प्लस कॉलम में लिखते आए थे अब आपको माइनस कॉलम में लिखना है। अभी भी आपका ओपनिंग बुक क्या है? कैशबुक, और उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हुआ? तो अब पहला डिफरेंस देखते हैं। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ₹100 and 380। बैंक ने ₹100 बैंक चार्जेस बोल के और 380 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बोल के अपने पासबुक में डेबिट कर दिया। इसका रिफ्लेक्शन हमारे कैशबुक में नहीं आया, जिस कारण से कैशबुक का बैलेंस 480 से बढ़ चुका है। समझ में आया? क्यों बढ़ा सर? क्योंकि ये दोनों ही आइटम पेमेंट के हैं जिसकी एंट्री पासबुक में हुई है, कैशबुक में नहीं हुई है। तो अब मेरे पास कैशबुक का बैलेंस है, मैं पासबुक का बैलेंस जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 100 and 380 दोनों को ही हमारे कैशबुक के बैलेंस से कम कर दूंगा। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट,
No entry has been made in the cash book to record the dishonor on December 15, 2014 for a check of ₹650 received from Mr. Bhanu. Bhanu ने हमको एक 650 का चेक दिया था जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया और आगे चल के वो चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब क्या हुआ? जिसके अगेंस्ट में हमको पेमेंट नहीं मिला. तो डिपॉजिट की एंट्री कैश बुक में हुई लेकिन डिसऑनर की नहीं हुई. इस कारण से कैश बुक का बैलेंस 650 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओपनिंग बुक भी क्या है? कैश बुक. तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस जानना है तो आप क्या करोगे? इस ₹650 को कैश बुक के बैलेंस से कम कर देंगे. क्लियर हुआ? अगले पॉइंट में आते हैं. विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट बाय 200. मतलब पासबुक का डेबिट साइड पेमेंट साइड ₹200 से कम है. मतलब आपने पासबुक में ₹200 कम पेमेंट बताए हैं तो इसका हमारे पासबुक के बैलेंस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारा पासबुक का बैलेंस ₹200 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि हमने पेमेंट कम बताया है. आपका ओपनिंग बुक क्या है? कैश बुक. तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस जानना है तो ये ₹200 आप क्या करोगे? कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है LIC पेड बाई बैंक ₹2,500. बैंक ने हमारे बिहाफ में LIC का प्रीमियम का पेमेंट किया है जिसकी एंट्री कहाँ हुई होगी? पासबुक में. इस एंट्री के कारण पासबुक का बैलेंस 2,500 से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है. इसकी रिकॉर्डिंग अभी तक कैशबुक में नहीं हुई जिसके कारण से कैशबुक का बैलेंस 2,500 से ज़्यादा दिख रहा होगा. तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस जानना है तो आप क्या करोगे? इस 2,500 को कैशबुक के बैलेंस से हम कम कर देंगे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं. अ पेमेंट ऑफ ₹550 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक. हमने एक ₹550 का पेमेंट किया था जिसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में दो बार हो गई तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया. सर कितने से? 550 से. क्यों? क्योंकि एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था. पासबुक ने एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया तो एडिशनल इम्पैक्ट कितने का आएगा पासबुक में? 550 से. तो ओपनिंग बुक क्या है आपका? कैश बुक. वो 550 से ज़्यादा है. तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस जानना है तो आप क्या करोगे? कैश बुक से 550 डिडक्ट कर लोगे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट. चेक ड्रॉन बट नॉट एनकैश्ड बिफोर 31st December 2014 ₹4,000. हमने चेक इशू किया लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है. तो चेक इशू करते ही एंट्री कहाँ कर दी हमने? कैश बुक में. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कैशबुक अभी 4,000 से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है. अब चूंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ हुआ है इसका रिफ्लेक्शन पासबुक में नहीं आया. तो आपके पास कैशबुक का बैलेंस है, आप पासबुक का बैलेंस जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस 4,000 को कैशबुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे. तो ध्यान रखना हर ट्रांजैक्शन को आपको इंडिविजुअली ही इवैल्यूएट करना है. क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं इन सारे ट्रांजैक्शंस का कंबाइन इफेक्ट. सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट में दिया हुआ है 10,000. उसके बाद आपको जो जो आइटम्स ऐड करने थे हमने प्लस कॉलम में लिख दिए. उसके बाद जो जो आइटम्स आपको डिडक्ट करने थे हमने माइनस कॉलम में लिख दिए. उसके बाद प्लस कॉलम की टोटल लगाई गई और माइनस कॉलम की टोटल लगाई गई. इस बार माइनस कॉलम की टोटल प्लस कॉलम से ज़्यादा थी इसलिए बैलेंस किस तरह रखा हमने? माइनस कॉलम में. तो मतलब ये 9,980 जो है वो नेगेटिव बैलेंस है. तो ओपनिंग बुक अगर आपका कैश बुक था तो क्लोजिंग बुक क्या होएगा? पासबुक. पासबुक में नेगेटिव बैलेंस कितना आ रहा है? 9,980. इसलिए हमने क्या लिखा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 9,980. क्लियर हुआ? हम आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल में. आइए देखते हैं.
बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2018 88,000। इस एग्जाम्पल में ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसके हिसाब से है? पासबुक के हिसाब से। तो वापस से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आपके सॉल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो बैलेंस आप प्लस कॉलम में लिखते थे अब आपको माइनस कॉलम में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक माइनस कॉलम में 88,000। क्लियर हुआ? आपका ओपनिंग बुक क्या रहेगा? पासबुक। सारे ट्रीटमेंट किसके हिसाब से करोगे? पासबुक के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 58,000 बट ओनली 20,000 वर क्लियर्ड टिल 31 मार्च 2018। मतलब हमने बैंक में 58,000 रुपीस के चेक डिपॉजिट किए थे जिसमें से सिर्फ 20,000 के चेक ही 31 मार्च 2018 तक क्लियर हुए। तो कितने के चेक क्लियर नहीं हुए? 38,000। तो ये 38,000 की एंट्री कहाँ हो रखी है? कैशबुक में। अभी तक पासबुक में इसका रिफ्लेक्शन नहीं आया। इस कारण से पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस 38,000 कम रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं कैशबुक का बैलेंस जानना चाहता हूँ तो ये 38,000 में क्या करूँगा? हमारे पासबुक के बैलेंस में ऐड कर दूँगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है चेक इशूड रुपीज़ 25,000 38,000 एंड 20,000 ड्यूरिंग द मंथ। द चेक ऑफ 58,000 इज स्टिल विद द सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपने सप्लायर को तीन चेक इशू किए थे 25,000 38,000 एंड 20,000 का। इसमें से 58,000 का चेक अभी भी सप्लायर के पास है। मतलब 58,000 की एंट्री सिर्फ कैशबुक में रिफ्लेक्ट हो रही है पेमेंट की, पासबुक में अभी तक उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया है। तो इस कारण से हमारा पासबुक 58,000 से बढ़ गया। अब अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे? इस 58,000 को हमारे पासबुक के बैलेंस से कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिसेस राजेश ट्रेडर्स ₹4,000 नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। हमारे एक कस्टमर ने ₹4,000 हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाए जिसकी एंट्री पासबुक में हो चुकी है लेकिन कैशबुक में नहीं हुई। इस कारण से हमारा पासबुक 4,000 से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? पासबुक से इस 4,000 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कॉरपोरेशन टैक्स पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर इन पासबुक। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 12,000 का टैक्स पे कर दिया, तो जिसका रिफ्लेक्शन कहाँ आया? पासबुक में। कैशबुक में अभी तक नहीं आया है तो पासबुक का बैलेंस 12,000 से कम हुआ हुआ है। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे? इस 12,000 को हमारे पासबुक में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 9,300 डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक एंड द इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव ओनली ऑन 3 अप्रैल 2018। मतलब क्या हुआ? बैंक ने ₹9,300 हमारे अकाउंट में डेबिट किए जिसका इन्फॉर्मेशन हमको कब मिला? 3 अप्रैल को। हम BRS कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। अभी तक हमको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कहाँ हुई थी? सिर्फ पासबुक में। कैशबुक में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई। क्लियर हुआ? इस कारण से पासबुक का बैलेंस 9,300 से कम हो गया। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे? पासबुक में 9,300 ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट ₹20,000 अपीयर्ड इन पासबुक। हमने एक बैंक में FD करवा रखी थी
जिसकी मैच्योरिटी पे हमको 20,000 रुपीज़ हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जिसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं हुई है। इस कारण से हमारे पासबुक का बैलेंस 20,000 से बढ़ गया। तो अगर मेरे को कैशबुक का बैलेंस जानना है तो हम क्या करेंगे, पासबुक से इस 20,000 को लेस कर देंगे। क्लियर हुआ? अब ये लास्ट एग्जांपल है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, मैंने पूरे क्वेश्चन को एज अ होल नहीं पढ़ा, मैं हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा हूँ। तो जब भी आप BRS प्रिपेयर करोगे, हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली ट्रीट करना, उसका इम्पैक्ट आपकी ओपनिंग बुक पे क्या पड़ रहा है वो चेक करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस, चाहे फेवरेबल हो चाहे ओवरड्राफ्ट हो, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है BRS में, उस इम्पैक्ट को आप नलीफाई करो बाय रिवर्सिंग द इम्पैक्ट। अगर आपका ओपनिंग बुक बढ़ गया तो कम कर दो, और अगर कम हो गया तो बढ़ा दो। क्यों? आप क्या चाहते हो, ओपनिंग बुक से ट्रैवल करके क्लोजिंग बुक का बैलेंस जानना। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं इसका, इस एग्जांपल का एक कंबाइंड स्टेटमेंट। तो देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट दिया हुआ है 88,000। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में लिखना है आपको। चेक डिपॉजिट हुआ, बैंक वालों ने एंट्री नहीं की, बैंक का बैलेंस कम हुआ हुआ है, हमने ऐड कर दिया। टैक्स पे किया गया बैंक के द्वारा, जिसकी एंट्री कैशबुक में नहीं हुई, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, हमने ऐड कर दिया। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, जिसके कारण बैंक का बैलेंस कम हो गया, हमने क्या किया, ऐड कर दिया। हमने चेक इशू किया, जिसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई थी, जिसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमने क्या किया, उसको कम कर दिया। एक डिपॉजिट हुआ, जिसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हमने कम कर दिया। पासबुक में 20,000 रुपये क्रेडिट हुए थे फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम FD टू करंट अकाउंट, जिसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में थी, उसको भी हमने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं, अगर पासबुक का बैलेंस 88,000 है तो कैशबुक का कितना रहा होगा। इसके बाद हमने प्लस साइड की टोटल लगाई और माइनस साइड की टोटल लगाई। इस बार भी देखिए, माइनस साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है। तो अब आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है उसको माइनस साइड में लिखेंगे, 110,700। क्लियर हुआ? और सामने क्या लिख दिया हमने, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, क्योंकि माइनस साइड में बैलेंस आ रहा है। समझ में आया आपको, आज का लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।